रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मेरी सिस्टर चाय बना रही है। ये दोबारा से आपने चाय क्यों रखी है, आप जरा डिटेल बताएं मेरे देखने वाले को। ऐसे बड़ी बेइज्जती की बात है, मेरे मियाँ को चाय नहीं बनानी आती। ओहो, और फिर क्या हुआ? फिर पहले उन्होंने जो बनाई है 4 कप दूध के जाया कर दी है, उसमें मीठा इतना डाला है कि वो अब सारी खुद खत्म करेंगे, लिहाजा हम अपने लिए फिर तरदत कर रहे हैं। ये दोबारा अपने लिए खुद चाय बना रही है, पीते अब इनको भी सजा लगी हुई है सारी खत्म, इन्होंने खुद ही कर। अच्छा, उनसे मीठा ज्यादा है, शुगर ज्यादा हो गई है। हमने पीते ये मीठे वाली चाय जो मेरी कजन ने अपने हस्बैंड को क्या कहते हैं सजा के तौर पर पनिशमेंट मिली हुई है, इनको 2 कप चाय के मीठे वाले पीने हैं। साथ साथ इन्होंने ये देखिए पालक धो के रखी है, ये बॉईल करने लगी है। ये भी एप्पल बाजार से है? हाँ जी, नहीं ओहो, मैं समझे तुम बाजारों नहीं आते, ये हमारी जबान ये वाली है। कितने ना किन्ना मैट्रेस और इसकी गारंटी कितनी? 7 साल। बहुत ठीक है, जबरदस्त अच्छा लग। 8 इंच इस गद्दे की चौड़ाई 8 इंच है। ये मैट्रेस अच्छा है, कंफर्टेबल भी है, स्प्रिंग वाला है। स्प्रिंग वाला थोड़ी महंगा है ना? ठीक, ज़्यादा पैसे लाने सस्ते के स्कूल की निंदरा से। अच्छा, खाली निंदरा वास्ते तुसी इतने ज़्यादा पैसे ला छोड़ते? बच्चा नहीं कुछ नहीं है तुझे इसकी चौड़ाई 8 इंच है, लेकिन है अच्छा ज़्यादा, बैठने में भी बड़ा कंफर्टेबल है। मैंने बैठ के भी चेक किया है, ये देखिए मैट्रेस कितना अच्छा लग रहा है, चादर बिछ गया। ये इनका बेड है और ये इनका नया मैट्रेस है। हम सब की तरह से जी आपको मुबारकबाद कबूल करें जी, नया मैट्रेस की बहुत अच्छा है। ये साइड पे इन्होंने चरपाई बिछाई हुई है, ये इधर इनके पर्दे। साथ साथ भाई मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मेरी ये घर की ये चीज़ें दिखाओ, अच्छी लग रही है। माशाल्लाह की दोनों बेड दिखा दूं, ये वाला बेड भी देखें जी ये कैसा है। वो सब इस पर बेड है, ये जो मेरी सिस्टर है ये बहुत फनी है, सही तरह कोई काम नहीं करने देती। ये जो डेक है ये हमने बेचना है। अच्छा, ये डेक आपने बेचना है? ये बाजी अगर आपने लेना है ले सकती हैं, इसका माइक भी है साथ। अच्छा, मैं सोचूंगी अपनी जगह तो दुकानदारी अपनी जगह पैसे जरूर दे सकती। ये देखे मियाँ से झगड़ा करके अपने लिए अलग-अलग से चाय बना के पी रही है। वो ज्यादा अच्छी चाय थी, ये अच्छी है? ये इसमें मीठा कोई नहीं है ना, ये अच्छी है? ये अच्छा है, मीठे मोटे बंदों के लिए मीठा नुकसानदेह। अच्छा, इसलिए आप नहीं पी रही थी? नहीं, मैं नहीं पीती। कोई बात नहीं। ये हमारी गली, ये देखे आज कितने ज्यादा कपड़े धुले हैं, मौसम देखे ऐसे लग रहा है जैसे अभी बस बारिश होने वाली है। बादल गरजने की आवाज आ रही होगी, सारे मैट वगैरह धुले हैं आज। ये देखिए बहुत ज्यादा कपड़े आज धोए, जिसकी वजह से आज कोई डिटेल में वीडियो नहीं बनाई। ये मैंने बनाए चावल, सिंपल ऐसे दाल बनाई है मैंने काली, क्योंकि आज कपड़े धोए ना तो इसलिए कम टाइम था, इसलिए कंप्लीट कोई वीडियो शेयर नहीं कर सकी। साथ में रायता बनाया है, रायते के साथ सिंपल दाल चावल की ये रेसिपी थी जो मैंने आपको दिखाया, चावल बनाए। पूरी कंप्लीट रेसिपी नहीं शेयर कर सकी, असल में टाइम बहुत कम था, शॉर्ट टाइम होने की वजह से इसलिए। तो कल आप उसके साथ इंशाल्लाह डिटेल में सारी चीज़ें शेयर करूंगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी नोक झोंक, मेरी बहन की नोक झोंक, भाई की नोक झोंक अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कोई फेक या कुछ नहीं, जो रील जो चीज़ें हो रही थी फिर मैंने उसी को किया कि कनेक्ट तो हो जाऊँ आपके साथ, बात तो हो जाए थोड़ी बहुत।
ऐसा सच अगर मैं बहुत डिटेल में कोई चीज़ शेयर करती तो ये मेरे लिए आज पॉसिबल नहीं था, क्योंकि काम इस तरह का था कि साथ साथ मैं कपड़े धो रही थी, साथ मैंने दाल चढ़ा दी, साथ साथ पे चावल बनाए, जिसकी वजह से टाइम कम था, इसलिए पूरी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। लेकिन ये काम सबके मेरे ख्याल में, जिसने कपड़े धोने होते हैं, सबका यही होता है। इतने ज़्यादा कपड़े धोए और अब साथ साथ देखे बारिश शुरू हो गई है। अब मैं सबसे पहले कपड़े उतारूँगी और साथ इनको मैं अंदर कमरे में डालती हूँ। ये ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है ना कि अगर कपड़े भी धो लो तो साथ बारिश हो जाए, ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। खैर ये तो पार्ट है लाइफ का, ऐसे तो चलता रहता है। ऐसी ही सिंपल सी वीडियो मेरे जहन में आ रही थी, मैंने फिर वही आपके साथ शेयर किया। ये दाल चावल इसीलिए फायदा होता है कि जब आप कपड़े वगैरह धोएं या ऐसा कोई काम करें ना, आपके पास टाइम शॉर्ट होता है, जिसको जितना उस हिसाब से वो अपने चावल डाल सकता है। ये देखें अभी तो बारिश होगी तो ये मेरे पौधे और नहा लेंगे तो और ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्ला। दुआओं में याद रखिएगा, हैप्पी पुदीने के साथ, जज़ाकल्ला।